हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको वर्डल बनाना बताने वाला हूं, वो भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बना पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। और वर्डल होता क्या ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस टाइप का ये जो इमेज है जिसमें कोई भी फोटो नहीं है, केवल वर्ड का एक क्लाउड बना हुआ है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे वर्ड्स एक पिक्चर का रूप लिए हुए हैं, तो ये कहलाता है वर्डल। और ये इसकी आवश्यकता जब होती है, इसकी ज़रूरत जब होती है जब आप अपने फेसबुक पेज के लिए वर्डल बनाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के लिए या फिर ट्विटर के लिए, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के लिए आप एक अच्छा सा वर्डल बनाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप अपने पीसी का यूज़ करें, आप ये चाहते हैं कि बहुत ही ईजी तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्डल बना रखे हैं, तो आप अपने वर्डल को आपने एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा बना लीजिए, बहुत ही ईजी तरीका होता है। तो चलिए मैं आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा वर्डल कैसे बनाया जाता है ये सिखाता हूँ। चलिए सीख लेते हैं। वर्डल बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर चलना होगा, तो प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन किया और ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में टाइप कर लेते हैं वर्ड क्लाउड, और सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ दिख जाएगा वर्ड क्लाउड नाम का एक एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, देखिए पहले से इंस्टॉल किया हुआ है वर्ड क्लाउड, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर डाउनलोड लिख के आएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहीं से एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पर आपको एक नया वर्डल बनाना है, तो आप सबसे पहले वर्ड्स पे, ये नीचे की तरफ दिया हुआ वर्ड्स, इस पर क्लिक कीजिए। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो हैं वो हैं क्योंकि मैंने पहले बना रखा है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। और क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। उनको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्लियर ऑल, इसको क्लिक कर दीजिए। और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने सभी जितने भी वर्ड लिखे हुए थे ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर अपने अच्छा सा कोई वर्ड डाल लीजिए जो आप डालना चाहते हैं, जो वर्ड डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, तो मैं पहले हाउ, और जैसे ही आप यहाँ पर लिख लें उसके लिखने के बाद यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यह आपका ऐड हो जाएगा। और लिख देता हूँ, फिर प्लस का निशान क्लिक कीजिए, फिर ऐड हो जाएगा। आपको हर बार ऐसा ही करना होगा, जो वर्ड आप डालना चाहते हैं वो वहाँ पर टाइप करते जाइए और उसके बाद प्लस का निशान दबाते जाइए, तो जो आप चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख दिए हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो चाहें वर्ड लिख सकते हैं। और जब आपके वर्ड लिख जाएँ तो वर्ड लिखने के बाद में आप इंटर वर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंटर वर्ड्स, इसको क्लिक कीजिए यहाँ से। और क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाएंगे और ये देखिए आपके सामने एक अच्छा सा वर्ड शो होने लगा है। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके कलर को बदल सकते हैं। आपको कलर चेंज करने के लिए नीचे एक पैनल दिया हुआ है, कलर पैनल, ये यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर। और क्लिक करने के बाद ये आपके बहुत सारे कलर पैनल दिए हुए हैं, एक यहाँ पर लगभग 5 पैनल दिए हुए हैं, तो आप इन 5ों के कलर को चेंज कर दीजिए तो आपके वर्ड जितने भी हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। पहले वाले क्लिक कर लेता हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, रेड कर लीजिए। चलिए रेड करने के बाद ये इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए तो यहाँ रेड हो जाएगा। दूसरे वाले को अगर चेंज करना चाहें दूसरे वाले पर क्लिक कीजिए, अगर आप दूसरे नंबर पर आप कोई दूसरा कलर कर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ब्लू करना चाहते हैं दूसरे नंबर पे तो आप ब्लू कर सकते हैं, ये मैंने ब्लू कर दिया सेकंड नंबर वाले को। और थर्ड नंबर पे मैं चाहता हूँ कि थर्ड नंबर पे मेरा ग्रीन रहे, तो मैं ग्रीन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। और फोर्थ नंबर पे येलो सही है, फिफ्थ नंबर पे हम चेंज कर देते हैं, फिफ्थ नंबर पे हम कुछ अलग कलर कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और करने के बाद जब कलर आपके चूज़ हो जाए तो आप सिलेक्ट कलर पर क्लिक कर दीजिए, ऊपर की तरफ लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट कलर, इसको क्लिक कीजिए।
और क्लिक करने के बाद ये कलर आपके थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ये देखिए चेंज हो चुके हैं यहाँ पर कलर। अगर आप चाहें तो इसके साइज़ को भी बदल सकते हैं, यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन फॉन्ट्स के साइज़ को आप बदल पाएंगे। पहला वाला क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए छोटे हो गया, काफ़ी स्मॉल साइज़ हो गया। आसानी से अपने साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैं इतना साइज़ रख देता हूँ या थोड़ा और कम कर देता हूँ। थोड़ा साइज़ कम करने के बाद इसको यहाँ से बैक कर देते हैं। अगर आप इसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं, आप इसके स्टाइल को थोड़ा बदलना चाहते हैं, यहाँ ऊपर रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से आप इसके स्टाइल को बदल सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यह आपका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद बैक चलते हैं, उसके बाद फिर बैक चलते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। ये थोड़ा काफ़ी बिग साइज़ लग रहा है, तो उसको क्लिक करके देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो वर्डल का स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। इसको बैक कर लेते हैं, फिर से बैक करने के बाद इसको थोड़ा सा फिर लेफ़्ट टू राइट करिए इस तरीके से। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है शेप बदलने का, आप चाहें तो यहाँ से शेप भी बदल सकते हैं इसका। मैं शेप पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपके सामने यहाँ बहुत सारे शेप शो होने लगेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हाइट शेप में भी कर सकते हैं, तो आपका शेप बदल गया। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, स्टार वाले में कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे शेप दिए हुए हैं यहाँ पर, आप किसी भी शेप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शेप दिए हुए हैं आपके वर्डल के लिए। ये देखिए एक क्लाउड का शेप कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो एक रेक्टेंगल में कर सकते हैं, जो अभी मैंने किया हुआ था, ये रेक्टेंगल है। ये हमारा सर्किल है, सर्किल में भी कर सकते हैं आप शेप। ये हमारा सर्किल हो गया, तो इसको एक रेक्टेंगल ही रहने देते हैं। जब आप क्लियर हो जाएं कि हमारा वर्डल जो है बन चुका है, ठीक लग रहा है, उसके बाद बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है अदर का, इस पर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने वर्ड को जो है रोटेट करा सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ रोटेट का, यह बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके वर्ड जो हैं वो रोटेट हो जाएंगे। देखिए रोटेट हो चुके हैं, फिर से क्लिक कीजिए, ये देखिए फिर से रोटेट हो चुके हैं। कुछ पैरेलल हैं, कुछ वर्टिकल हैं, इस तरीके से हो गए हैं। यहाँ पर बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से बहुत ही अच्छा एक वर्डल बना सकते हैं, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा किसी भी ईजी तरीके से बहुत। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।